वी हैव टू, जैसे विनेश वांट्स टू डिजाइन द पोस्टर एज सोन बिल, विनेश कोई है उसको ये पोस्टर क्या करना है, डिजाइन करना है, ठीक है ना। विनेश वांट्स टू डिजाइन द पोस्टर एज सोन बिल, तो इस पोस्टर को जब विनेश डिजाइन करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, ही हैव टू चूज सम फीचर्स ऑफ ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस राइटर का कुछ फीचर्स उसको यूज करना हो। फॉर दैट वेरी पर्पस क्वेश्चन बोल रहा है, आइडेंटिफाई एनी फाइव फीचर्स विच शुड बी यूज टू डिजाइन द पोस्टर, मतलब इस पोस्टर को डिजाइन करने के लिए पांच ऐसा फीचर कौन कौन सा जो है उसको यूज करना होगा। तो आप लोग में से बताओ कि सबसे पहले उसको कौन सा फीचर चाहिए इस पोस्टर को डिजाइन करने के, द फाइव फीचर्स आंसर में बताइए, द फाइव फीचर्स यूज टू डिजाइन पोस्टर, इस पोस्टर को डिजाइन करने के लिए क्या होगा, बोलिए। ये जो पोस्टर दिया हुआ, सेव एनवायरनमेंट, ग्रैब एवरी अपॉर्चुनिटी टू सेव द एनवायरनमेंट, फॉर फर्दर इंक्वायरीज कॉन्टैक्ट ग्रीन अर्थ, गो ग्रीन, तो ये एक पोस्टर, और इस पोस्टर को हम लोग ओपन ऑफिस राइटर में बना सकते हैं। अगर ओपन ऑफिस राइटर में हम लोग बनाएंगे तो वह ऐसा कौन कौन सा फीचर है जो हम लोगों को यूज करना हो, वही आपको पांच फीचर का नाम बताना है। एनीवन, कोई भी बोलो, पहला नंबर क्या चाहिए उसको, जैसे ये पोस्टर है, इस पोस्टर को बनाने के लिए आपको ओपन ऑफिस राइटर में कुछ फीचर्स का यूज करना होगा, तो वो कौन कौन सा फीचर है जिसको यूज करना होगा इस पोस्टर को बनाने में, समझ में आया क्वेश्चन क्या हम बोले। तो अगर आप देखो, सबसे पहले तो पिक्चर हम लोगों को चाहिए, तो हम लोग को क्या चाहिए, इंसर्ट पिक्चर, ये एक ऑप्शन, ये एक फीचर हम लोग को यूज करना होगा। पिक्चर के लिए क्या यूज करेंगे, इंसर्ट पिक्चर। सेकंड, उसी तरह और बोलिए, और कुछ सोच के, यस, हाँ, यूज करेंगे, यानी फॉन्ट का यूज करना होगा, फॉन्ट, फॉन्ट में ही सब आ जाएगा, या बोल्ड भी लिख सकते हो, यहाँ हम लिखते हैं फॉन्ट का कलर, बुक में लिखा है सेकंड फीचर में फॉन्ट कलर, देखो इसका ग्रीन। उसके बाद ये देखो, और कुछ सोचो, ये वाला देखो बादल, ये जो बादल है, क्लाउड देख रहे हो, देख रहे हो, ये कहाँ मिलेगा, किस ऑप्शन में, शेप कहाँ मिलेगा, शेप, इंसर्ट शेप, और बोलो, यस, कोई बोल रहे थे, बोलो, हाँ, सेंटर में लाना होगा, यस, हाँ, जो आपको लगता है। अच्छा, वर्ड आर्ट का यूज करना पड़ेगा, करना होगा ना, जो आर्टिस्टिक स्टाइल में थोड़ा लिखे, यस और नो। अच्छा, उसके बाद ये देखो, ये जो बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट बॉक्स होता है, यहाँ देखो इंसर्ट में आता है ये वाला बॉक्स, दिख रहा है, ये देखो, है ना, ये देखो यहाँ पे बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स को हम लोग इस तरह इंसर्ट करेंगे तो यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फिफ्थ पे लिख सकते हैं टेक्स्ट, तो इतना सारा फीचर्स को यूज कर, इसके अलावा और भी है, आप पेज, पेज सेटअप, पेज लेआउट ऑप्शन में जाके पेज का बॉर्डर भी सेट कर सकते हो, है ना। उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सारा फॉन्ट में ही आ गया, शेप आपको जो चाहिए वो इंसर्ट शेप से मिल जाएगा, ये जो पिक्चर आया ये वाला हाथ वाला हैंड वाला, ये इंसर्ट पिक्चर से आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए तो हम बता ही दिए, इंसर्ट टैब में जा करके और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक हो गया, इसको कॉपी में आप लोग लिख लो, सब लोग कॉपी में लिखिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग करेंगे, दैट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानिया इज वर्किंग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सानिया इज वर्किंग ऑन वर्ड, आप लोगों को आंसर लिखिए, जो अभी हम पढ़ाए हैं उसको लिखिए, तब तक वर्किंग ऑन वर्ड डॉक्यूमेंट फुल स्टॉप, सी हैज इंसर्टेड ग्राफिक्स
एंड वांट्स टू यूज रैप टेक्स्ट. क्या यूज करना है उसको? रैप टेक्स्ट विथ ग्राफिक्स, विथ ग्राफिक्स. ठीक है, फर्स्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन में, अंडर विच टैब सी कैन, अंडर विच टैब सी कैन फाइंड टेक्स्ट रैपिंग. टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग वो किस टैब में मिलेगा उसको? सेकेंड वन इज लिस्ट एनी टू टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन. Available in a word processing software. Word processing software. ये दोनों क्वेश्चन, तो पहले आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए. ये वाला, ये विनेश वांट टू डिजाइन द पोस्टर, आइडेंटिफाई एनी फाइव फीचर विच शुड बी यूज टू डिजाइन द पोस्टर. आंसर लिख लो, फिर ये क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डिजिटल डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस चैप्टर, इसका आंसर लिखना है. इस क्वेश्चन का आंसर बताओ स्नेहा, संजना बताओ क्या होगा? यस संजना, क्या बोला? सानिया इज वर्किंग ऑन वर्ड डॉक्यूमेंट. He has started inserted graphics and want to use wrap text with graphics. Under which tab she can find text wrapping? Text wrapping किस tab में मिलता है? बोलो. First का answer बोलो. Text wrapping. बोलो. किसी को याद है किसमें मिलता है text wrapping option? Text wrapping is available. किस tab में है? बोलो. Text wrapping is available under Which tab? Under format tab. ठीक है, ये देखो. Yes, format tab, ये देखो. अच्छा, ये तो मैंने word खोला हुआ है इसलिए यहाँ नहीं आ रहा है. ठीक है, वहां पे आपका writer में हम लोग देखेंगे तो वहां format tab. Next question, question number 2 का answer बताइए. List any two text wrapping option. ये तो आप तुरंत बताइए जल्दी से, क्या क्या text wrapping options होगा, कोई भी दो. तो हम बोलो, पेज रैप था एक, पेज रैप हम लोग पढ़े थे ना, और बोलो. हाँ, स्क्वायर रैप, एक नो रैप भी था ना, याद है? नो रैप. हाँ, और बोलो, ऑप्टिमल पेज रैप बोलो. राइट टेक्स्ट रैप भी, ऑप्टिमल पेज रैप, रैप थ्रू भी था, है ना? नो रैप, यस, इन बैकग्राउंड, है ना? दीज आर द डिफरेंट रैप टेक्स्ट रैपिंग स्टाइल.